नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो साथियों, क्लास में जुड़े सभी भाई और बहनों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथियों, लहर क्लासेस के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए जुड़े सभी भाई बहनों का लहर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपने BSCC के मॉडल पेपर की क्लासेस चल रही थी, उसी सीरीज में अपने 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज की अपनी 13वीं क्लास रहेगी। तो साथियों, क्लास शुरू होने से पहले सभी मित्र एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। साथियों, बढ़ते हैं क्विज की ओर। आज की क्लास के पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा। दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। साथियों, 4 विकल्प भी है, इनमें से आपको विषम का चयन करना है। साथियों, भिन्न अर्थ को आपको चयन करना है। मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई, इनमें से भिन्न कौन सा? साथियों, जल्दी से बताएंगे। भिन्न को आपको चयन करना है, विषम का चयन करना है। साथियों, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई, साथियों ये महीनों के नाम दिए हैं। साथियों, मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 31 दिनों का। अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। मई कितने का होता है? 31 का होता है। जुलाई कितने का होता है? जुलाई भी 31 का होता है। मतलब साथ यहाँ पर अप्रैल है जो 30 दिनों का होता है, बाकी सब 31 दिनों का होता है। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो अप्रैल यहाँ पर विषम है। साथियों, बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। आज की क्विज का दूसरा प्रश्न, किसी एक निश्चित कोड भाषा में फ्लावर को EMNXDS के रूप में लिखा जाता है। तो बताओ साथियों, उसी कोड भाषा में सोवर को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताना साथियों, फ्लावर को क्या लिखा जाता है? EMNXDS के रूप में लिखा जाता है। साथियों, बताओ उसी कोड भाषा में सोवर को SSOWER को कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ABC और D, जल्दी से बताएंगे साथियों। साथियों, पहले शब्द ये दो, इन दोनों में जो फ्लावर और EMNXDS, इन दोनों में संबंध देखना है। साथियों, फ्लावर में पहला है F और इधर है E, तो साथियों F और E तक जाने पर एक अक्षर घटाया जाता है। साथियों, F से E मतलब एक घटाया गया। अब साथियों, L से M तक आते हैं, मतलब कि L के बाद M आता है, एक जोड़ा गया, ठीक है साथियों। अब आया O से N तक आते हैं साथियों, इसमें एक घटाया गया, ठीक। अब आते हैं W, साथियों W से X तक जाते हैं तो एक जोड़ा जाता है, W के बाद X आता है। अब साथियों, इसमें E से D तक आते हैं तो एक घटाया जाता है, ठीक है। और साथियों, अंतिम में R से S तक जाते हैं साथियों, एक जोड़ा जाता है, R के बाद S आता है। तो साथियों, इसी प्रकार पहले घटाया गया और फिर जोड़ा गया, घटाया गया, जोड़ा गया, घटाया गया और जोड़ा गया। साथियों, पहले क्या? सबसे पहले घटाया गया, तो इसी प्रकार साथियों इसमें से भी आपको घटाना है। तो साथियों, इसी प्रकार सोवर में से आपको पहला आता है S, साथियों आपको सबसे पहले उसमें घटाया हुआ मिला था साथियों, तो इसमें भी पहले घटाना है। S में से साथियों एक अक्षर कम करेंगे साथियों, S से पहला आता है R, क्या आता है? R, तो साथियों अपने यहाँ पर R आ जाएगा और बाकी T वाला और S वाला ये दोनों चले जाएंगे। तो दो ऑप्शन अपने पास बचे। अब साथियों, दूसरा ऑप्शन आ रहा है, पहले हमने घटाया फिर क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है साथियों। अब आ रहा है साथियों S में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो आई वाला कौन सा साथियों? अपना C ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों? C, क्योंकि साथियों इसमें G आ रहा है, G नहीं है, आई है। तो साथियों अपना C ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्विज का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों, जो शब्द दिए आपको, कंधा, खोपड़े, गर्दन, हाथ और चेहरा, इनको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों, शुरू से अंत तक। साथियों, आपको शीर्ष लगाकर पेट तक जाना है साथियों, और इसमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, जल्दी से बताएंगे साथियों। इनमें से पहले क्या आएगा और अंत में क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ABCD के रूप में, जल्दी से बताएंगे साथियों। साथियों, मानव शरीर में सबसे पहले क्या आता है? खोपड़ी आती है साथियों। जो सिर रहता है, सिर का ऊपरी भाग खोपड़ी होती है साथियों, पहले आएगा खोपड़ी दो नंबर में, ठीक है। अब आए खोपड़ी के बाद साथियों चेहरा कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। तो साथियों 2 और 5, फिर आएंगे साथियों गर्दन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गर्दन कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। गर्दन का बचा साथियों कंधा आएगा, कंधा किस में? 1 में। और इसके बचा साथियों अंतिम आ जाएंगे हाथ 4 नंबर पर, ठीक है साथियों। कितने पर? 4 नंबर पर। 25, 31, 4 साथियों किस में आते हैं? 25, 31, 4 ऑप्शन अपना C यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों C ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, साथियों रंग दिए उनमें रंग को अलग अर्थ में दर्शाया जाता है। नीले का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है पीला, और पीले का अर्थ है साथियों लाल। तो लाल का अर्थ सफेद है और सफेद का अर्थ बैंगनी है। तो दूध का रंग क्या होगा साथियों? सामान्यतः दूध का रंग कौन सा होता है? सामान्यतः दूध का रंग होता है सफेद। अब साथियों प्रश्न में दिया है सफेद का रंग कैसा है? बैंगनी है। सफेद का रंग कैसा है? बैंगनी है। अर्थात साथियों अपने को उत्तर यहीं से मिलना है, बाकी सब अपने को दिया वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया है साथियों।
यहाँ से यहाँ तक लाइन आपने कंफ्यूज करने के लिए उत्तर साथियों इसी अंतिम में, दूध कैसा होता है, दूध होता है सफेद। तो साथियों सफेद का रंग कैसा माना इसमें, बैंगनी माना, साथियों अपना बैंगनी सफेद हो जाएगा साथियों बैंगनी, तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा, दूध का रंग बैंगनी हो जाएगा साथियों, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, पांचवा प्रश्न, पांचवा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या बताएं साथियों, चित्र दिया साथियों इनमें आपको आयतों की संख्या बतानी, आयत कितने हैं गिनकर बताने साथियों, आपको यहाँ गिनने बैठना नहीं है, आपको ट्रिक बताइए उस ट्रिक के आधार पर ज्ञात करना है 100, 120, 97 या फिर 80, जल्दी से बताएंगे साथियों आयतों की संख्या कितनी है दी गई आकृति में साथियों, चार रो है और साथियों चार यहाँ पर कॉलम है, चार साथियों रो है और चार ही कॉलम है, जल्दी से बताएंगे आयतों की संख्या कितनी है साथियों, आयतों की संख्या तो साथियों यहाँ पर साथियों रो कितनी है 1, 2, 3 और 4, इधर भी साथियों 1, 2, 3 और 4, साथियों इनको जोड़ो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, साथियों को टोटल कितने हो जाएंगे 10 टोटल हो जाएंगे, इधर जोड़ते हैं पर साथियों 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, साथ इधर भी 10 हो रहे हैं, 10 और इधर 10, साथियों 10 गुणा 10, इन दोनों का आपस में क्या करना है गुणा करना है, 10 गुणा 10 मतलब 100 हो जाएंगे साथियों, अपना 100 किस में, ऑप्शन संख्या ए में, तो अपने यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, कौन सा ए, तो इस साथियों आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, अपना छठवां प्रश्न, बालक में सामाजिकरण में मुख्य भूमिका होती है साथियों, बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, शिक्षण अभिरुचि से आपको प्रश्न आया इसमें उत्तर देना है, बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, परिवार की, विद्यालय की, परिवार और विद्यालय दोनों की या फिर किसी की भी नहीं, जल्दी से बताएंगे बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, बालक के सामाजिकरण में जल्दी से बताएंगे साथियों, बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परिवार एवं विद्यालय दोनों के साथियों बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका होती है, किसकी, परिवार और विद्यालय दोनों की साथियों। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, सातवां प्रश्न, आपकी कक्षा के दो छात्र लड़ रहे हैं तो आप किसका साथ देंगे साथियों, आप किस छात्र का साथ देंगे साथियों, आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं और वहां पर दो छात्र लड़ रहे हैं तो आप किस छात्र का साथ देंगे, जल्दी से बताएंगे साथियों, पहला है जो पढ़ने में होशियार है, दूसरा जो अमीर है, तीसरा जो सही रास्ते पर है, चौथा है जिसका जो आपका रिश्तेदार है साथियों, सही रास्ते मतलब कि जो सही है, ठीक है, जो सही है यहाँ पर सी ऑप्शन से जो सही है, ठीक है। तो साथियों आप किसका साथ देंगे, जो पढ़ने में होशियार है, दूसरा जो अमीर है, तीसरा जो सही है या चौथा जो रिश्तेदार है, जल्दी से बताएंगे आप किसका साथ देंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो सही है उसी का साथ देना चाहिए साथियों, बाकी होशियार है या अमीर है या रिश्तेदार इसका कोई मतलब नहीं है, हमेशा साथियों सच्चाई का साथ देना चाहिए, ठीक है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, अपना आठवां प्रश्न, नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए साथियों, जो नेता होता है नेतृत्व तो करता है उसको किस पर अधिक बल देना चाहिए, अपने हित पर, स्वहित पर या दूसरों के हित पर या सदस्य हित पर या सर्व हित पर, जल्दी से बताएंगे साथियों, स्वहित पर, परहित पर, सदस्य हित पर या फिर सर्व हित पर, जल्दी से बताएंगे नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए, स्वहित मतलब अपना हित, परहित मतलब दूसरों का हित, सदस्य हित मतलब सदस्य जो सदस्य है उनका हित या फिर सर्व हित मतलब सबका हित, किसके हित पर बल देना चाहिए बताएंगे साथियों जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन से, नेता को सबके हित पर, सर्व हित पर बल देना चाहिए साथियों, अपना डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, अपना नौवां प्रश्न, आवारा तथा गुंडे छात्रों से मधुर संबंध उन्हें सुधारने की दिशा में सिद्ध उपयोग होते हैं साथियों, जो आवारा और गुंडे छात्र होते हैं उनसे मधुर संबंध उन्हें सुधारने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं साथियों, जो आवारा और गुंडे छात्र होते हैं उनसे मधुर संबंध रखते हैं तो साथियों वो उनको सुधारने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्या साथियों ये कथन सही है या नहीं है आपको बताना, आपको अपना विचार बताना है, विचार साथियों शिक्षक के दृष्टिकोण से सोचकर बताना है, ये साथियों कथन सही है, नहीं है, हाँ है, शायद है या कभी कभी है, जल्दी से बताएंगे साथियों कथन के बारे में अपना विचार एक शिक्षक के दृष्टिकोण से रखना है, जल्दी से बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाँ, अपना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बिल्कुल साथियों, जो आवारा और गुंडा किस्म के छात्र होते हैं साथियों उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं तो साथियों वो भी साथियों सुधरने लगते हैं, बिल्कुल सुधरने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर, दसवां प्रश्न, किस स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से लाना चाहिए साथियों, किस स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व जो ग्राम पंचायतें होती है उनको मुख्य रूप से लाना चाहिए, सभी के शिक्षा स्तरों का, माध्यमिक शिक्षा का या प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का या फिर प्राथमिक शिक्षा का, साथियों जो ग्राम पंचायत होती है उनको किस शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से लाना चाहिए साथियों, मुख्य रूप से किस शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को लाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे साथियों, चार ऑप्शन दे रखे आपको, शिक्षा के सभी स्तरों का, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों का या फिर प्राथमिक शिक्षा का, जल्दी से बताएंगे साथियों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा का। साथियों जो पहली से आठवीं तक प्राथमिक शिक्षा होती है उसके प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से लाना चाहिए। साथियों बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर अपना। 11वां प्रश्न राजस्थान जीके से प्रश्न है। राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। साथियों राजस्थान का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों जल्दी से बताएंगे किसे राजस्थान का दूसरा या भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है जल्दी से बताएंगे साथियों। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सपना। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को साथियों दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से संबोधित करते हैं। साथियों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट साथियों क्या है राजस्थान के गांधी है। कहाँ का साथियों राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और साथियों पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपना। 12वां प्रश्न कानरदे प्रबंध कृति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। साथियों जो कानरदे प्रबंध कृति है उसके रचयिता कौन है साथियों जल्दी से बताएंगे। मणि मधुरकर, माधवदास चारण, सूर्यमल मिश्रण या फिर पद्मनाभ। साथियों कानरदे प्रबंध के रचयिता कौन है जल्दी से बताएंगे। कानरदे प्रबंध कृति के रचयिता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन। कौन सा डी ऑप्शन पद्मनाभ ने कानरदे प्रबंध कृति लिखी है। साथियों कानरदे प्रबंध कृति क्या है तो साथियों जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। साथियों कौन अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं साथियों तो वहां की घटना का वर्णन किया है पद्मनाभ ने। साथियों अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग पर आक्रमण करता है उस समय साथियों जालौर दुर्ग का शासक कौन होता है कानरदे होता है। कौन होता है साथियों कानरदे होता है। तो साथियों उसी कानरदे के ऊपर लिखी हुई कानरदे प्रबंध इसके रचयिता कौन है साथियों पद्मनाभ है। ठीक है बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न सुंदा माता का मंदिर स्थित है। साथियों सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है राजस्थान में बाड़मेर जालौर जयपुर यहाँ पर सीकर। साथियों सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताएंगे। सुंदा माता का मंदिर बाड़मेर जालौर जयपुर यहाँ पर सीकर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। कौन सा साथियों बी ऑप्शन से जालौर के साथियों तहसील है कौन सी जसवंतपुरा। कौन सी जसवंतपुरा। तो साथियों जसवंतपुरा में सुंदर माता का मंदिर स्थित है। तो साथियों सुंदर माता का मंदिर किस पर्वत पर है तो साथियों सुंदा पर्वत पर। कौन से सुंदा पर्वत पर। साथियों राजस्थान का पहला रोप वे भी इसी सुंदा पर्वत पर स्थापित किया गया। सुंदर माता मंदिर के पास सुंदा पर्वत पर राजस्थान का पहला रोप वे स्थापित किया गया। कब किया गया 2006 में वर्ष 2006 में राजस्थान का पहला रोप वे स्थापित किया गया। ठीक है मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपना। 14वां प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है झेरणों क्या है। साथियों झेरणों या झेरणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों झेरणों या झेरणी क्या है जल्दी से बताएंगे। साथियों राजस्थानी लोकगीत राजस्थानी लोक नृत्य दही मतने की लकड़ी या फिर लकड़ी का चम्मच। साथियों झेरणा या झेरणों क्या है जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना साथियों। आपको ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं। झेरणों क्या है साथियों राजस्थानी लोकगीत है या लोक नृत्य है या फिर दही मतने की लकड़ी है या फिर लकड़ी का चम्मच है जल्दी से बताएंगे साथियों। झेरणों क्या है साथियों झेरणों शब्द मारवाड़ी शब्द कौन सा साथियों मारवाड़ी शब्द। ज्यादातर साथियों इसका उपयोग मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र। साथियों झेरणों क्या है दही मतने की लकड़ी। साथियों ये पंजे नुमा होती है। साथियों कैसी पंजे नुमा होती है साथियों दही मतने की लकड़ी होती है जिसे झेरणों या फिर झेरणा भी बोलते हैं। साथियों ये सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कौन सा सम्मिलित नहीं है। साथियों यहाँ पर चार युग्म दिए हैं एबीसीडी के रूप में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। साथियों पहला दिया अभयारण्य और इधर दिया है वन्य जीव प्रसिद्ध वन्य जीव जल्दी से बताएंगे साथियों। पहला है रणथंभौर में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा चंबल घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ताल सापर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है सरिस्का शेरों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मिलान नहीं हो रहा है। साथियों किस ऑप्शन में सही मिलान नहीं हो रहा है असंगत कौन सा जल्दी से आपको बताना। ए बी सी डी में से चार ऑप्शन साथियों कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध नहीं है साथियों जल्दी से बताएंगे। तो साथियों जो रणथंभौर अभयारण्य है सवाई माधेपुर में और साथियों ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा राजस्थान का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा रणथंभौर सवाई माधेपुर। दूसरा साथियों चंबल कहाँ पर साथियों अभयारण्य है कोटा में। कहाँ पर साथियों कोटा में किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों पहला भी सही हो जाएगा अपना दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है ताल सापर तो साथियों ताल सापर किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल सापर साथियों कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए किसके लिए साथियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध बिल्कुल साथियों सी भी राइट हो जाएगा। ए सही है बी भी सही है और सी भी सही है। तो साथियों ताल सापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथियों जो प्रवासी कुर्जा होती है कौन सी साथियों कुर्जा पक्षी। तो साथियों ये ताल सापर अभयारण्य कुर्जा पक्षी के लिए भी साथियों प्रसिद्ध है। ठीक है इसके बाद साथियों चौथा है सरिस्का। तो साथियों सरिस्का कहाँ पर है अलवर में किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों बाघों के लिए। किसके साथियों बाघों के लिए प्रसिद्ध
दे। साथियों यहाँ पर शेयर नहीं होकर के भाग गया था अपना, साथियों डी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? डी, जो इसमें असंगत है बिल्कुल। साथियों सरिस का अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? बाघों के लिए। साथियों राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा साथियों? राजस्थान का दूसरा कौन सा? दूसरा टाइगर रिजर्व साथियों कौन सा? सरिस का अलवर। और साथियों इस बाघों के साथ साथ साथियों सरिस का अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। कौन सा साथियों? हरे कबूतर। जो हरे कबूतर साथियों कहाँ पाए जाते हैं? साथियों इस सरिस का अलवर में। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण प्रसिद्ध है? सरिस का अलवर। इसके साथ साथ साथियों सरिस का अलवर राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। आज का 16 प्रश्न अंग्रेजी से है। सी एस गोट टू चिल्ड्रन गर्ल। साथियों सी एस गोट टू चिल्ड्रन गर्ल। साथियों इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना ए एंड द, और इसमें इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे साथियों गर्ल के आगे साथियों कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? साथियों ए का प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है। किसके आगे? व्यंजन के आगे। एन का प्रयोग स्वर के आगे, और द का प्रयोग किसी विशेष के आगे। किसके आगे? विशेष के आगे किया जाता है। तो साथियों जल्दी से बताएंगे किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से बताएंगे साथियों गर्ल के आगे किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? साथियों गर्ल का उच्चारण करने उच्चारण करने वाला है गर्ल। ग पहले आता साथियों, ग क्या है? व्यंजन है। साथियों यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? ए का, और हो जाएगा सी एच गो टू चिल्ड्रन ए गर्ल। ठीक है साथियों, बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न है द फाइंड आउट ऑपोजिट वर्ड सेम। साथियों आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। कौन सा साथियों? विपरीत अर्थ। कौन सा? विपरीत अर्थ आपको ढूंढना है। किसका साथियों? सेम का। सेम मतलब होता है समान। साथियों सेम का आपको विपरीत अर्थ ढूंढना है। जल्दी से बताएंगे साथियों सेम का विपरीत अर्थ कौन सा हो जाएगा? साथियों सेम का विपरीत हो जाएगा भिन्न भिन्न। क्या साथियों? भिन्न भिन्न। अंग्रेजी में साथियों भिन्न भिन्न को क्या बोलते हैं? साथियों भिन्न भिन्न को अंग्रेजी में तो बोलते हैं साथियों डिफरेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंट। तो साथियों अपना डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अपना 18वां, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं। साथियों कौन सी संधि दीर्घ संधि? तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं? साथियों पहला है एक्यातम, दूसरा प्रत्येक, तीसरा अभिप्सा, और चौथा है भानोदय। जल्दी से बताएंगे साथियों दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जल्दी से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं कौन सा नहीं है साथियों? पहला ऑप्शन आपको दे देगा एक्यात्म। क्या साथियों? एक्यात्म। ए धन एक्यात्म। एक्यात्म ए धन एक्यात्म। साथियों ए और ए मिलकर किसका निर्माण होता है? ए और ए मिलकर के बड़े ए का निर्माण होता है। साथियों दूसरा ऑप्शन से आपको प्रत्येक। क्या है साथियों? प्रत्येक। प्रत्येक साथियों प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। प्रतिधन एक साथियों ये के आगे अगर कोई आधा वर्ण आता है, ये के आगे साथियों कोई आधा वर्ण आता है उसमें कौन सी संधि होती है? साथियों अगर ये और व के आगे साथियों कोई भी आधा वर्ण आता है उसमें साथियों कौन सी संधि होती है? अधिकतर यण संधि। कौन सी साथियों? यण संधि। अर्थात साथियों इस बी ऑप्शन से कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। साथियों अपना बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना 19वां प्रश्न, अंगराज राधे किसके पर्यायवाची शब्द है? साथियों अंगराज और राधे किसके पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताएंगे, कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और कार्तिकेय, इनमें से अंगराज और राधे किसके पर्यायवाची शब्द है? साथियों जल्दी से बताएंगे अंगराज और राधे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब साथियों अपना सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों अंगराज और राधे किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कर्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथियों क्यों किया जाता है? क्योंकि साथियों अंग देश का राजा कौन था? कर्ण था। ठीक है साथियों, और राधे किस कारण प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों राधे, राधा इनकी माँ का नाम था। क्या साथियों? राधा इनकी माँ का नाम था, और इसके कारण उसे राधे कहा जाता था। ठीक है, जिस प्रकार साथियों अर्जुन को कहा जाता था कुंती। कौन सा साथियों? कौनते। साथियों अर्जुन को कहा जाता था कौनते, और कर्ण को कहा जाता था राधे। तो साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साथियों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? साथियों चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, नियता, निरस्त्र, निरत और निगमन, निमग्न। साथियों इनमें से किस में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे साथियों, निहत्ता, निरस्त्र, निरत और निमग्न, किस में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे साथियों, एबीसीडी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? साथियों पहला ऑप्शन से निहत्ता, निधन हत्ता, निधन हत्ता। साथियों दूसरा ऑप्शन से निरस्त्र, साथियों निर्धन, निर्धन अस्त्र। साथियों क्या हो जाएगा? निर्धन अस्त्र। तीसरा है निधन रथ, क्या हो जाएगा? निधन रथ। साथियों अपना बी ऑप्शन जिसमें निर उपसर्ग आ रहा है, कौन सा साथियों? निर उपसर्ग आ रहा है, किसमें? बी ऑप्शन में। कौन सा उपसर्ग? निर उपसर्ग। मतलब साथियों पूछा कौन सा है? नी उपसर्ग किसमें नहीं है? तो बिल्कुल साथियों इसमें निर उपसर्ग, नी उपसर्ग नहीं है, तो अपना यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों इसी के साथ आज की अपनी क्विज पूर्ण होती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा आज की क्लास में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जल्दी से बताएंगे साथियों, सभी को कमेंट करके बताना है आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जल्दी से बताएंगे साथियों 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
आज की क्विज के साथियों जो भी 20 प्रश्न थे उनमें से आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जल्दी से बताना साथियों सभी को। तो साथियों बिल्कुल अधिकांश के साथियों 18, 19 और 20 सही हो रहे। साथियों इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, निवेदन है साथियों आपसे अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है तो साथियों तैयारी को जारी रखेंगे। तो साथियों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।